हॉलीवुड के जाने माने एक्टर पॉल रिटर का ब्रेन ट्यूमर के कारण निधन हो गया है। पॉल रिटर 54 साल के थे। द गार्डियन की रिपोर्ट के अनुसार पॉल रिटर के निधन की पुष्टि उनके एजेंट द्वारा की गई है। पॉल रिटर ने सोमवार को आखिरी सांस ली थी। पॉल के निधन से उनका परिवार टूट गया है। पॉल ने ज़ाहरी पॉटर जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में अभिनय किया था। उन्हें सबसे ज्यादा ब्रिटिश सिटकॉम सफ़रफ़रा ए डे नाइट डिनर में अपने द्वारा निभाई गई किरदार के लिए जाना जाता है। रिपोर्ट के अनुसार अपने एक बयान में पॉल रिटर के एजेंट ने बताया कि ज़ाहरी पॉटरा जहा फ्लड प्रिंस ओज़कवा टमा सोलिसज जैसी कई फिल्मों में काम कर चुके अभिनेता पॉल रिटर का उनके घर में निधन हो गया। उन्होंने अपने परिवार के सामने आखिरी सांस ली। पॉल के निधन से हॉलीवुड इंडस्ट्री और टीवी इंडस्ट्री दोनों ही सदमे में हैं। कई फिल्मों में किया जबरदस्त अभिनय जफा ए डे नाइट डिनर के क्रिएटर रॉबर्ट पॉपर ने पॉल रिटर के निधन पर अपना शोक व्यक्त किया। रॉबर्ट ने कहा कि इस भयान दुख भरी खबर से टूट गया हूँ। पॉल एक प्यारा और अद्भुत इंसान था, मजाकिया, सुपर केयरिंग और सबसे महान अभिनेता जिसके साथ मैंने कभी काम किया था। 2019 में पॉल रिटर ने फिल्म जचरेरा नमोबली जमे नतोली डाइटालोव के रूप में जबरदस्त प्रदर्शन करके दिखाया था। इस फिल्म के जरिए उन्होंने ये दिखाया कि वे केवल कॉमेडी ही नहीं बल्कि हर तरह के किरदार में खुद को आसानी से ढाल सकते हैं। रिटर की इस फिल्म को कई अवार्ड्स भी मिले थे। 2014 में टोबी विंडहाउस द्वारा एक स्पाई थ्रिलर मूवी लिखी गई थी जिसका नाम था द गेमर्स। इस फिल्म में भी पॉल ने काफी बेहतरीन अभिनय किया था। पॉल के निधन पर टोबी ने कहा, यह भयानक खबर है। पॉल एक शानदार अभिनेता और एक प्यारा लड़का था। ज़ाहरी पॉटरा एक्टर पॉल रिटर का 54 साल की उम्र में निधन, ब्रेन ट्यूमर से थे पीड़ित।